गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मजे से मेरे इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं देखने वाली हूँ पाकिस्तान की टूरिज्म को। एक ऐसा वीडियो जिसमें पाकिस्तान की हम पूरी टूर कर सकते हैं वर्चुअली। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सीधे चलते वीडियो पे और देखते हैं कि वीडियो में हमें क्या नया कुछ देखने को मिलेगा। तो चले फिर, चलिए चलते हैं। दोस्तों, आज मैं देखने वाली हूँ पाकिस्तान टूरिज्म के ऊपर एक ऐसा वीडियो जो आपको सिर्फ 6 मिनट में पूरी पाकिस्तान की टूर करा सकता है। तो चलिए दोस्तों, सीधे चलते हैं वीडियो पे और देखते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा देखने लायक क्या क्या जगह है। तो फिर वीडियो को शुरू करें, चलिए करते हैं। कर रही हूं। दोस्तों, ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज उन्हें सपोर्ट कीजिए। Oh my God! My God! So beautiful! यार ये लेक कितना क्लीन पानी था। वाओ यार, सब लेक्स इतने ब्यूटीफुल है, कितने यार पानी इतना साफ लग रहा है दिखने में। मुझे तो ये सब लेक देख के चलने के लिए मिलते हैं। ये एकदम पद्मावत का जो स्टार्टिंग वाला सीन था वो लग रहा है। बहुत ज्यादा क्लीन है, अच्छा ये एंजेलिना जोली देखा लेकिन बहुत ज्यादा मिस नहीं आई थी। अभी तो मुझे बैठ के इतनी गर्मी लग रही है, मुझे पानी देख के बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है।
मोदी मस्जिद दिल्ली में भी है ना, मोदी मस्जिद कितने सारे हैं। अहमद अमी प्लीज इनके चैनल को चेक कीजिएगा। ऑलराइट दोस्तों, मुझे वीडियो तो बहुत ज्यादा मेस्मराइजिंग लगा, इतनी सुंदर सुंदर जगहें। सीरियसली पाकिस्तान का ये साइट तो मैंने कभी भी नहीं देखा था, यू नो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, लेकिन यहाँ पे जितने भी जगह दिखाए गए वो इतने ज्यादा हटके थे। मतलब मैं फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में देख रही हूँ इतनी अच्छी, मतलब मैं कैसे समझाऊँ, बहुत ज्यादा मेस्मराइजिंग। मैंने पाकिस्तान का जो वैली साइड है, यू नो पहाड़ों वाला इलाका, वो मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा था। जो भी पता था वो कराची, इस्लामाबाद, लाहौर के बारे में। तो मैंने फर्स्ट जो वीडियो देखा था वो था मार्क ग्वीन्स का, एक फूड ट्रैवल एक शो रहता है जो यूट्यूब पे आता है। आप में से कितने जन जानते हैं मुझे नहीं पता। तो मैंने उन्हीं के वीडियो पे एक वैली देखा था जो मुझे अभी भी याद है, बहुत ज्यादा अच्छा था। वो था हुंजा वैली, यस, अगर मैं ठीक से प्रोनाउंस कर रही हूँ तो। वो हुंजा वैली था और वहाँ के लोगों के कल्चर और वो क्या खाते हैं क्या नहीं, वो बहुत ज़्यादा मुझे पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम वाला इलाका है बहुत उससे अलग लग रहा था और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि मार्क ग्वीन पूरे पाकिस्तान को ट्रैवल किए थे और वहाँ क्या क्या, मतलब फूड के ऊपर ही बना था, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में। तो वहीं से मुझे वो वैली बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी। एक चीज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगी कि जो मैंने नोटिस किया है हाल फिलहाल में, कि पिछले एक दो साल से मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की जो टूरिज्म है उसको बूस्ट मिला है। पहले इतना मुझे देखने को नहीं मिलता था, लेकिन अभी YouTube में आप बहुत सारे ऐसे ट्रैवल ब्लॉगर्स को देख सकते हो जो पाकिस्तान के ऐसे इलाकों में घूम रहे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे से वीडियो बना रहे हैं, लोग अट्रैक्ट भी हो रहे हैं और इसी कारण शायद टूरिज्म में बूस्ट भी मिल रहा है। मुझे नहीं पता कि कितने वीज़ा पॉलिसीज में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने चेंजेस लाया है, लेकिन जो भी किया है उसके वजह से बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला है, वो देख के पता चल रहा है यूट्यूब। इसका और एक रीज़न भी हो सकता है कि अभी के जो फ़िलहाल के जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उनका जो थिंकिंग है वो थोड़ा क्या मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है बाकी जितने भी पीएम्स बने थे पाकिस्तान के। तो इस वजह से भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला हो। और दूसरी चीज़ की एक चीज़ और भी शेयर करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ इतनी टूरिज़्म बहुत ज़्यादा हम लोग के यहाँ पॉपुलर है, तो उसका रीज़न एक है कि सबसे ज़्यादा क्रेडिट हम इस चीज़ का दे सकते हैं तो बॉलीवुड को दे सकते हैं, क्योंकि वो जितने भी मूवीज़ बनाते हैं तो
एक कल्चर को शो करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, जिसके वजह से इतना टूरिज्म बूस्ट हुआ है. लोग अट्रैक्ट होते हैं, मूवीज देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्क्रीन्स मिलते हैं बाहर के कंट्रीज में बॉलीवुड के फिल्मों को. और अभी जो हाल फिलहाल में जो आपकी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री है वो भी काफ़ी ग्रो कर रही है, और मेरे ख्याल से इससे अच्छा मौका और कुछ नहीं हो सकता कि आप अपने पाकिस्तानी कल्चर को इस तरह से प्रमोट कर सकते हैं. बहुत सारे अभी तो फॉरेन के बहुत सारे कंट्रीज में पाकिस्तानी सिनेमास को स्क्रीन मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी होगा कि अपने टूरिज्म को बूस्ट करने का. तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल.